हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अज आप इस वीडियो दे विच गल करांगे दिल्ली हाई कोर्ट दे विच सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट दीयां पोस्टां निकलियां वा, इन्हां दे जिहड़े ऑनलाइन फॉर्म आ किद्दां फिलअप करने आ तुहानूं इह मोबाइल तों भर के दिखावांगे। सर नूं पहलां आपां दी डिटेल नोटिफिकेशन चैकआउट कर लैने आ। नंबर ऑफ वैकेंसी दी जे आपां गल करिए 127 पोस्टां निकलियां वा। जॉब लोकेशन तुहाडी दिल्ली होणी आ ते सैलरी जिहड़ी हैगी आ वेरियस पोस्ट वाइज तुहाडी सैलरी मैंशन की हुई आ। तो उस तों बाद जे आपां गल करिए अपलाई लास्ट डेट की 31 मार्च 2023 आ। तो ऑफिशियल साइट तुसीं इत्थे चैकआउट कर सकते हो @dellihighcourt.nic.in ते जाके तुसीं इह जिहड़ी पोस्टां अपलाई कर सकते हो। बाकी जिहड़ा साइट का ऑफिशियल लिंक आ वी तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन च प्रोवाइड करवा दूंगा, उत्थों जाके तुसीं डायरैक्ट साइट ते आ सकते हो। सो जो आप गल करिए एप्लीकेशन फीस की, जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वास्ते हैगी फीस 1000 रुपया, तो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू वास्ते हैगी 800 रुपये फीस है। जी थोड़ी फीस है ये ऑनलाइन ही पे होगी। तो उस तो बाद जो आप गल करते हैं एज लिमिट की, 18 साल मिनीम एज आ एंड 32 ईयरस मैक्सीम थोड़ी एज रखी गई आ। बाकी एज रिलैक्सेशन भी तुम्हें अलग तो मिल जाती है, वो तुम नोटिफिकेशन के चैकआउट कर सकते हो। जिदा कि एस सी एस टी वास्ते 5 साल आ, ओ बी सी वास्ते हैगी 3 साल। तो उस तो बाद जो आप गल करिए सीनियर परसनल असिस्टेंट की पोस्ट की, यदि वैकेंसियां 60 निकलियां एंड जो परसनल असिस्टेंट आ उन्होंने है 67, टोटल 127 पोस्टा ही निकलियां वा। तो उस तो बाद देखिए इतने जो आप गल करते हैं कैटागरी वाइज, इतने इन्होंने पोस्टा मैनशन की हुई हैं। जनरल कैटागरी वास्ते 11 पोस्टा वा सीनियर परसनल असिस्टेंट दियाँ, तो परसनल असिस्टेंट दी 29। उस तो बाद जो ईडब्ल्यूएस की गल करिए मैनशन की सारी तो चैकआउट कर सकते हो। जो टोटल पोस्टा की गल करते हैं ये हैगियां वा जिहड़ियां सीनियर परसनल असिस्टेंट आ उन्हां दियां हैगियां वा 60 एंड परसनल असिस्टेंट दियां हैगियां 67। तो उस तो बाद जे आपां गल करिए देखो इत्थे दिल्ली हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 क्वालिफिकेशन की जो आप गल करते हैं, सीनियर परसनल असिस्टेंट वास्ते ग्रैजुएट तुहाडे कोल डिग्री होनी चाहिए आ। तो उस तो बाद टाइपिंग स्पीड और नॉट लैस दैन 110 WPM तुहाडी जिहड़ी स्पीड होनी चाहिए आ, शॉर्ट हैंड दे विच इंग्लिश दे विच तुहाडी होनी चाहिए आ है, एंड 40 होनी चाहिए तुहाडी इह इंग्लिश टाइप राइटिंग तुहाडी होनी चाहिए आ। मतलब कि इन्होंने शॉर्ट हैंड भी रखी हुई आ, तो जिहड़ी तुहाडी इंग्लिश टाइपिंग टैसट वह भी रख्या होया वा, वह हैगा 40 पर वर्ड मिनट तुहाडा रख्या होया वा। तो उस तो बाद आप गल करिए परसनल असिस्टेंट की, इहदे वास्ते ग्रैजुएशन तुहाडी कंप्लीट होनी चाहिए आ, तो जिहड़ा तुहाडे कोल इह बाकी तो सारा कुछ सेम ही आ। टाइपिंग स्पीड जिहड़ी शॉर्ट हैंड की आ, इहदे च इन्हां ने 100 WPM रखी हुई आ। तो उस तो बाद जो आप गल करिए सिलैक्शन प्रोसैस की गल करते हैं, सब नूं पहलां कि तुहाडा रिटन एग्जाम होना, उस तो बाद टाइपिंग टैसट होना वा, शॉर्ट हैंड टैसट होना वा, आफ्टर दैट इंटरव्यू होने तो बाद डाकूमेंट वेरीफिकेशन एंड मैडिकल एग्जामीनेशन तुहाडा होना वा, तो जिहड़ा उस तो बाद तुहाडी आ ज्वाइनिंग होनी आ। चलो आप मेन जिहड़े फॉर्म इहदे किद्दां अपलाई करने मोबाइल तो तुहानूं भर के दिखाउने आ। आपां सब नूं पहलां अपलाई लिंक ते क्लिक करांगे। अपलाई करन दा जिहड़ा लिंक आ वी तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन च प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरैक्ट तुसीं इस साइट ते आ सकदे हो। देखो जदों आपां आ वाली साइट ते आ जांदे आ, पहलां कि आपां मोबाइल तों फिल कर रहे इस करके इहनूं आपां साइट ते क्लिक करांगे। सारे नालों पहलां आपां डैस्कटॉप साइट कर लेना वा। उस तो बाद अपने को देखो उत्थे ऑप्शन आ रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीनियर परसनल असिस्टेंट की पोस्ट लिए अपलाई करना, उपरले लिंक ते क्लिक करना वा। जे तुसीं परसनल असिस्टेंट की पोस्ट लिए अपलाई कराना तो आप नीचे वाले जिहड़ा लिंक आ उत्ते आप सिलेक्ट करांगे। तुहाडी इच्छा वा तुसीं कि पोस्ट लिए अपलाई करना चाहते हो, उहदे हिसाब नाल इह जिहड़ा लिंक ते तुसीं क्लिक कर लेना वा। देखो जिदा कि अपने को ऑफिशियल साइट आ जाती है। सो वीडियो शुरू करने तो पहला जिहड़े भी अपने चैनल पर नवे आए आ, सारों नूं पहला अपने चैनल में सबसक्राइब कर लियो, नाल जिहड़ी बैल आइकोन आ रहा वा उत्ते जरूर क्लिक कर दिया करो, ताकि जिहड़ी भी आपां नवी वीडियो लैके आने आ उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सारों पहला तुहाडे कोल आ सके। सो वीडियो शुरू करते हैं। आफ्टर दैट अपने कोल इत्थे ऑप्शन आ रही है न्यू रजिस्ट्रेशन दी, इहदे आपां क्लिक करांगे। सारों पहला आपां रजिस्ट्रेशन करनी है, जिन्हां ने कीती नहीं हैगी पहला उह रजिस्ट्रेशन करनगे, उस तो बाद लॉगिन करांगे। इतने भी अपने को ऑप्शन आ रही है डाउनलोड डिटेल वैकेंसी नोटिस, ये चैकआउट कर सकते हो। सारों पहला आप जिहड़ियां ये इंस्ट्रक्शनस आ रीड कर लेनियां वा, एक बारी रीड करन तो बाद बिल्कुल आप नीचे आ जाएंगे, इतने इहनूं टिक करना वा एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड ते क्लिक करांगे।
ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਟ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ 10th ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 10th ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਆ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ 10th ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਮਦਰ ਨੇਮ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 10th ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਭਰਨੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੀ ਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੈਂਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੈਂਟੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਵੈਲਿਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਟ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਵੈਲਿਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਬ ਲੋਕੋਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੋਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਲ ਅਪ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਜ਼ ਆਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸੈਂਟ ਐਟ ਦਿਸ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਲ ਕਰਿਓ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਨਫਰਮ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਭਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸਵਰਡ ਮਸਟ ਬੀ 8 to 13 ਕਰੈਕਟਰਸ ਲੌਂਗ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲੈਣਾ ਵਾ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਅਪਰ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਕੈਪੀਟਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਬਲ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਪੈਨ ਕੇਸ ਸੈਂਸੀਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਪੈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਨੇਮ ਜੈਂਡਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਓ ਟੀ ਪੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਾਈ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਪਿੰਨ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓ ਟੀ ਪੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਵਾਲਾ ਓ ਟੀ ਪੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰਨੀ ਆ ਆਰ ਯੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ
उस तो बाद जो थोड़ी ओ बी सी कैटागरी आदि एन सी एल आप सिलेक्ट कर लाँगे। देखो डू यू हैव वेरीफाई ओ बी सी एन सी एल सर्टिफिकेट, जो थोड़े को हैगा तो सिलेक्ट कर लाँगे। जिस करके डिसेबलिटी जो तुम डिसेबलिटी हो जस कर सकते हो, इन्हें नो भी कर सकते हो। एक्स सर्विस मैन की आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेनी है, तो आर यू है सबजैक्ट ऑफ नेपाल ये तुम नो कर देना वा। एंटर सिक्योरिटी पेन क्लिक करने तो बाद आप इतने यस कर देंगे, एंड जो थोड़े को आधार कार्ड नंबर हैगा तो उन्होंने यस कर देंगे। उस तो बाद अपना आधार कार्ड नंबर इतने फिल कर देना वा, सारे इन्हें आप टिक कर देनी आ। टोटल जेडे अपने को ऑप्शन आ रहे, ये तीन ऑप्शन आ रही वा, इन सारे आप टिक कर देनी है। उस तो बाद आप नीचे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना वा। तुम एक बार रीड आउट भी कर सकते हो सारी इनफॉर्मेशन, ये इस लिखी हुई है। एंड आधार कार्ड नंबर लिखण तो बाद इतने नीचे टिक कर दें, कन्फर्म तो बाद सिक्योरिटी पिन आप फिल करने बाद वेरीफाई कर देना। उस तो बाद आप नेम ऑफ द पोस्ट कि पोस्ट लिए अपलाई करना चाहते हो, डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यस कर देंगे। इतने आप जितने कोई नॉलेज हैगी कंप्यूटर रिलेटेड, उस तो बाद आप इनू भी यस कर देना। एंड नीचे आप इतने अपना सिक्योरिटी पिन क्लिक करने तो बाद इसे यस कर देंगे। आफ्टर दैट तुम इतने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, पहले 10th की क्लास फिल करांगे। उस तो बाद आपां पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना वा, डिग्री सिलेक्ट कर लेनी आ, बोर्ड किहड़े बोर्ड तो तुसीं 10th क्लास पास कीती हुई आ। आफ्टर दैट तुसीं इत्थे अपना रिजल्ट मोड सिलेक्ट कर लेना वा, परसेंटेज आए कि सी जी पी आया होया वा, टोटल मार्क्स इत्थे लिख देने आ, ओबटेन्ड मार्क्स लिख देने आ, एंड जिहड़ी तुहाडी परसेंटेज आ जांदी ऑटोमैटिक फिल हो के। उस तो बाद अपनी जिहड़ी सैकेंड स्टैंडर्ड की क्लास आ उह सारी सिलेक्ट कर लेनी आ। आपां बेसिक सारी डिटेल तुसीं इह भर ही सकदे हो, रिजल्ट मोड टोटल मार्क्स ओबटेन मार्क्स एंड परसेंटेज ऐटोमैटिक ही आ जाती है। उस तो बाद जो तुम ग्रैजुएशन की हुई है, देखो इतनी ग्रैजुएशन भी तुम इतनी फिल करनी है, ग्रैजुएशन पास स्टेटस पास्ट ईयर पासिंग ईयर हो गया, डिग्री तुम कि डिग्री पास की है, कोर्स नेम कि यूनिवर्सिटी से तुम पास आउट हो। उस तो बाद रिजल्ट मोड के इतने देख सकते हो, पहला आप बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम सर्च कर लेना, सर्च भी कर सकते हो जो तुम इनू नीचे नीचे आओगे, इदा करके अपने कॉलेज काफ़ी सारी कॉलेज आ जाए सिलेक्ट भी कर सकते हो तो सर्च भी कर सकते हो। तो उस तो बाद टोटल मार्क्स हो गया, ऑबटेन्ड मार्क्स हो गया, आफ्टर दैट जी परसेंटेज आ फिल हो गई ऑटोमैटिकली आ जाती है। जे थोड़े कोई होर अदर क्वालिफिकेशन हैगी इतने तुम फिल कर सकते हो, इन्हें ब्लैंक भी छड़ सकते हो। उस तो बाद सिक्योरिटी पिन इतने फिल करांगे, आफ्टर दैट तुम इतने सेव एंड नेक्स्ट से क्लिक कर देना वा, इन यस कर देंगे। उस तो बाद अपना जे थोड़ा कोई कोर्ट केस चलता इन यस करना नहीं, इन तुम नो कर देना वा। उस तो बाद अपने को ऑप्शन आ रही है, जे तुम गवर्नमेंट इंप्लाई हो डिपार्टमेंट काम किया पी एस यू के यस कर देंगे, नहीं इन नो कर देंगे। उस तो बाद सिक्योरिटी पिन करके सबमिट कर देना वा। इंप्लायमेंट डिटेल के यही कोई पहला दिल्ली हाई कोर्ट के इंप्लाय रहे हो तो यस कर देंगे, नहीं इन नो कर देंगे। उस तो बाद आप सिक्योरिटी पिन करके इन सेव कर देना वा। आफ्टर दैट अपने को ऑप्शन आ जाती है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। ये देखो तुम साइज मैनशन किया है सारा, 10 KB तो लैके 200 KB जी फोटोग्राफी होनी चाहिए वा, एक थम इंप्रेशन करना वा, सिग्नेचर कैटागरी सर्टिफिकेट 10th सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट तुम ये अपलोड करने हैं। ऑप्शन दिती हुई देखो जी चीज़ PDF के इन्होंने मंगी हुई PDF मैनशन किया हुआ वा, जिदा सिग्नेचर एंड फोटो थोड़ी वो JPG के अपलोड करनी आ, बाकी साइज भी थले मैनशन किया हुआ वा। जेडे ग्रैजुएशन 10th की मार्कशीट आ उन्हों का 50 KB तो लैके 200 KB साइज होना चाहिए वा। देखो जो साइज ये मेनटेन करना कितना मेनटेन करना ये वास्ते एक मैं अलग वीडियो बनाई हुई आदा जो लिंक है तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन से प्रोवाइड करवा दूँ, उतों जाके चैकआउट कर सकते हो। बाकी मेरा वट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवाया हुआ, जे तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती तो मैं वट्सएप भी कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट करने तो बाद आप अपलोड, उस तो बाद अपने को ऑप्शन आ जाती है सारी डिटेल फिल करने की, इतों सारे टिक कर देना एक बार इन्हों जी आप सारी ऑप्शन भरी हुई सारिया सही भरिया हुई इन एग्री कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। आफ्टर दैट जो तुम कोई एडिट करना चाहते हो कर सकते हो, उस तो बाद कुछ नहीं कर सकते, पे एग्जामीनेशन फीस से क्लिक करांगे। एक बार जो थोड़ी फीस पे हो जाती है फिर तुम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ये इस करके सबनों पहले आप प्रिव्यू चैक कर लेना वा, जो कि गलती हुई तो इन कर सकते हो सही। तुम आफ्टर दैट तुम इतने अपनी जी फीस पे काफ़ी सारे मैथड आ रहे हैं फीस पे करने वास्ते, क्रैडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI पेमेंट किसी भी मैथड ना जी फीस ये पे कर सकते हो। कोई भी आप जो पेमेंट मैथड है वह चूज़ कर लें, फीस पे करने तो बाद अपने को देखो कार्ड ऑप्शन आ रही है,
कार्ड की डिटेल सारी फिल करने तो बाद आप फीस पे कर देंगे। फीस पे होने तो बाद जो थोड़ी फीस सक्सैसफुली हो जाती है अपने को फाइनल प्रिंटआउट आ जाता वा, वो फाइनल प्रिंटआउट तो असं कट के रख लेना वा जब PDF सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर रैफरेंस के लिए। जो थोड़े एडमिट कार्ड आने आप एप्लीकेशन नंबर वगैरह भर के एडमिट कार्ड डाउनलोड करा। सो अज आप इस वीडियो के गल की आ दिल्ली हाई कोर्ट के जो पोस्टा निकलियाँ परसनल असिस्टेंट दियाँ किदा के फॉर्म फिलअप करने हैं। सो तकरीबन मैं सारी इनफॉर्मेशन इस वीडियो के प्रोवाइड करवाती है, जो कि इनफॉर्मेशन रह गई तुम मैं कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो तुम्हें अपनी यह वीडियो वधिया लगी है तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दियो, नाल जो बैल आइकन आ रहा वा और जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि जी भी आप नवी वीडियो लैके आने जो नोटिफिकेशन है सर पहले तो आ सके। ओके, थैंक यू गाइज़।